योगी सरकार ने गुरुवार को अन्न महोत्सव मनाया और इसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लाभार्थियों से बात की। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों से संवाद साधा। सीएम योगी अयोध्या से इस कार्यक्रम में जुड़े। इसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम योगी की तारीफ की और कहा, आपके सीएम योगी भी हैं और कर्मयोगी भी। पीएम ने विपक्ष पर वार करते हुए कहा कि नए भारत में आगे बढ़ने का मार्ग परिवार नहीं परिश्रम से तय होगा। दिल्ली से जो अनाज भेजा गया उसका एक एक दाना गरीबों को मिला है। ट्रेस टेस्ट ट्रीट एंड टीका का जो अभियान पूरे देश के अंदर बृहद पैमाने पर चला है, आज उसका परिणाम है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक टेस्ट करने वाला राज्य है और अब तक उत्तर प्रदेश में 6,67,00,000 से अधिक लोगों का कोविड टेस्ट करके जो भी इसमें पॉजिटिव पाए गए उन्हें उचित उपचार और राहत देने का कार्य भारत सरकार के सहयोग से राज्य सरकार ने प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है और अब तक उत्तर प्रदेश में 5,21,00,000 से अधिक लोगों को यह टीका सुरक्षित रूप से दिया जा चुका है। भारत की संसद का जन भावनाओं की अभिव्यक्ति के पावन स्थान का ये लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ की वजह से निरंतर अपमान कर रहे हैं। आज पूरा देश मानवता पर आए सबसे बड़े संकट से 100 साल में आया हुआ, पहली बार आया हुआ इतने बड़े संकट से बाहर निकलने के लिए जी जान से देश का हर नागरिक जुटा है, प्रयास कर रहा है और ये लोग कैसे देश हित के काम को रोका जाए इसकी स्पर्धा में लगे हैं, इस होड़ में जुटे हैं। अगस्त का ये महीना भारत के इतिहास में उसकी शुरुआत ही देखिए एक प्रकार से उपलब्धियां लेकर के आई है। ऐसा लग रहा है कि भारत की विजय की शुरुआत हो चुकी है। इसमें भी आज की ये 5 अगस्त की तारीख बहुत विशेष बन गई है।